कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और बीटी इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के बीच हुई विवाद पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस विधायक की हंगामे और गाली गलौज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सदन में विधायक विशेष अधिकार हनन पर चिंता जताते हैं तो दूसरी ओर खुलेआम असंसदीय आचरण कर रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। शहर ऋषिकेश गठित हुआ था, मैंने तब भी कहा था जनप्रतिनिधियों को अपनी एक मर्यादाएं होती है और खास तौर पर कल की जो घटना है यह घटना बेशर्मी की हद को पार कर। आखिर कानून है, हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी घर पर जाकर तोड़फोड़ की जाती है, परिवार के बच्चों को डराया धमकाया जाता है, आज उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जिस प्रकार का भयका वातावरण बना हुआ है उसके लिए तो क्षमा याचना भी कम है। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस के किसी नेता ने अभी तक अपने उस विधायक के खिलाफ किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस के जो कृत्य हैं, जो बौखलाहट है वो अब जमीन पर दिखाई दे रही है। और हमने आज हमारे विधायकों के प्रतिनिधिमंडल माननीय राज्यपाल से मिलेगा, हमने समय मांगा है, जैसे हमको समय प्राप्त होता है वैधानिक कार्रवाई के लिए हम निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल।